तो वहीं धमतरी जिले में हाथियों के चहलकदमी से ग्रामीण और किसान परेशान हैं। हाथियों ने कई बीघा फसल को बर्बाद कर दिया है। हाथी मेरे साथी, ये तो आपने सुना ही है, लेकिन अगर यही गजानन लोगों के लिए दहशत बन जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। धमतरी जिला चारों तरफ वनों से घिरा हुआ है। बांधों में 12 महीना पानी रहता है। हाथियों की कदमताल के लिए भी उचित जगह है, तभी तो गजों का झुंड यहाँ पर दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ का जंगल हर किसी को भाने लगा है, चाहे इंसान हो या जंगली जानवर। धमतरी में चार बांध है और चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रही है। क्यों? और इसी हरियाली को देखते हुए हाथियों का झुंड धमतरी के अलग अलग दिशाओं में विचरण कर रहा है। धमतरी का जंगल हाथियों को रास आ गया है। गजेंद्र का दल जंगलों में विचरण कर रहा है, जिससे आसपास के लोग खौफजदा हैं। हाथियों की कदमताल से सबसे ज्यादा किसान चिंतित हैं, क्योंकि वो उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हाथी आ देख ठिनाद इसे ओकर बाद 3 दिन ले रीच रीच कर ले डेली, मतलब आए शाम शाम को, ओकर बाद रात भर खाए धान ला, ओकर बाद रात कुन फिर चल जाए जंगल में। अब धान आ तो शायद हो ही है, पूरा खाडा इस लूट है धान ला। 3 दिन हो गए का? 3 दिन डेली होगी, और पहली कौआ है, फिर 3 दिन डेली होगी। अब भी मोर खेत में रहेंगे है, एक खर रहेंगे है खेत में मोर में, वो पराज रहेंगे है। आज पूरा तार ला टोर करेंगे है। 3 ठीन आए। गजों ने जहां किसानों की फसलों को रौंद दिया, तो वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर अनदेखी का आरोप भी लगा दिया। उनका कहना है कि विभाग ना तो नुकसान का मुआवजा दे रहा है और ना ही सुरक्षा मुहैया करा रहा है। हाथियों का दल लगातार हमारे खेतों को बहुत नुकसान कर रहा है सर। कम से कम मेरा तो आधा एक एकड़ से ज़्यादा भी नुकसान हो चुका है। मैं मेरे के पास 1.5 एकड़ खेत है, इसमें क्या करूँगा ऐसे सोच रहे हो, मेरा मन टूट चुका है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है हाथियों को लेकर लोगों को अलर्ट करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करके निगरानी बनाए रखते हैं, फिर भी इलाके में गजराज के हमले सामने आते हैं। अभी जो है 4 हाथियों का दल केरेगांव परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 158 में वन बगौत परिसर में जंगल में है। हम वन विभाग की ओर से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, सतत रूप से गश्त कर रहे हैं। प्रयास ये करते हैं कि हाथी जो है आवासीय क्षेत्रों में ना आए। बिरना सिल्ली के जंगल में महुआ बिनने गई युवती को हाथियों ने रौंदा। नगरी रेंज के जंगल में 11 साल की किशोरी को हाथियों ने कुचला। संबलपुर निवासी महिला को हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। हाथियों से हुए नुकसान को लेकर वन विभाग के आंकड़े देखे तो 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2022 तक जिले में नुकसान के 413 प्रकरण सामने आए। हाथियों ने 123 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया, 7 मकानों को क्षति पहुंचाया। जनहानि के 3 मामले सामने आए, संपत्ति हानि के 75 प्रकरण सामने आए। नुकसान को लेकर वन विभाग ने मुआवजा राशि जारी की। विभाग ने 51,75,579 राशि का भुगतान किया है। लंबित प्रकरणों में अभी भी 11,47,600 का भुगतान होना है। इसमें जनहानि के 6 लाख, फसल हानि के 3,69,720 की राशि। वन अफसरों ने बताया कि जल्दी फसल खराब का आकलन कर क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। वहीं स्थानीय विधायक का भी मानना है कि जिले में हाथियों का आगमन बढ़ गया है। सभी परिक्षेत्र अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंतर्गत फसल हानि का आकलन करके प्रकरण बनाकर भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। तुरंत ही जो है वनमंडल अधिकारी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हमारे यहाँ हाथी अभी तो कुछ दिनों से आया है, बता सुन रहे हैं, बाकी पिछले साल बहुत फसल को बर्बाद किए और एक व्यक्ति की 4 व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। धमतरी में हाथियों को लेकर वन विभाग निगरानी बनाए हुए हैं, खदेड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, इसके बावजूद लोगों में दहशत बरकरार है। हाथियों के आने से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी फसल को चौपट कर के आगे बढ़ रही है। वन विभाग लगातार सर्वे कर किसानों को मुआवजा देने की काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हाथियों का उत्पात अभी भी कम नहीं हो रहा है। धमतरी से नंद कुमार साहू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।